दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है तो देखना तो बनता है आपका, क्योंकि आज की वीडियो में 5 से 6 टॉपिक में आपके लिए लेके आऊं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा जो भी लैंड एरिया होता है, मतलब एक बेसिक है ये, हर एक सिविल इंजीनियर को शायद पता भी होगा, लेकिन आपको जो इरेगुलर लैंड एरिया होता है मतलब उल्टा सीधा एरिया, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब रफ एस्टिमेशन, रफ कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो कि कितना स्क्वेयर फीट एरिया है या कितना स्क्वेयर मीटर है तो किस तरीके से किया जाता है वो आप सीखोगे। दूसरा आप चीज़ें सीखने वाले हो जो टेक्निकल टर्म जो इंटरव्यू में काम आती हैं, जो किसी कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, जहाँ एक सिविल इंजीनियर को ज़रूर पता होनी चाहिए वो सीखोगे। तीसरी आप चीज़ सीखने वाले हो थंब रूल जो होते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, मतलब स्टील के रिलेटेड थंब रूल रहेंगे कि कॉलम में बीम में। एक वीडियो हमारी कल आई थी जिसमें मैंने आपको एस्टिमेशन करना सिखाया था कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी कंक्रीट के वॉल्यूम के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है वो आप सीखने वाले हो। ये वीडियो आप यूट्यूब पे काफ़ी देख चुके होंगे, लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी बहुत ही ईजी तरीके से और प्रैक्टिकली आप सीखने वाले हो, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सिंपल होगा ऐसे, अगर ये इसका सिर्फ क्या करना है लेंथ ब्रेथ, मतलब अगर 20 फीट ऐसे है 50 ऐसे है तो ये हो गया हमारा 1000 स्क्वेयर फीट। क्लियर, सिंपल निकल गया ये। तो अगर ऐसे है मतलब ऐसे शेप है उसकी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 ऐसे, तो उसका कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक एग्जांपल ली हुई है मैंने, कुछ ऐसा है हमारा। सबसे पहले क्या करना है, सीधा सीधा तो उसको नाप लेना है ऐसे ऐसे ऐसे। फिर क्या करना है, जहां वो ट्रायंगल बनता हो, कोई भी शेप बनती हो, ट्रायंगल हो गई, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, कोई भी, तो ए हमने डायगोनल ले लिया उसके, ए यहां से पहले हमने ये नापा ये नापा ये नापा ये नापा ये नापा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए से डी नाप लिया वो 14 फीट आ गया, फिर हमने ए से ई नाप लिया वो ई आ गया, मतलब टोटल आ गया ना हमारे लिए। फिर क्या करना है, आपको लगाना है फार्मूला, भी फार्मूला मेन देखना क्या है। फिर क्या करोगे, ए सी डी, ए ट्राइंगल पकड़ लेते हैं पहले, ए सी डी आपका कैसे भी होगा, आपको ट्राइंगल की शेप में उसको लाना है। ए सी डी ये पकड़ लेते हैं, ए सी आ गया हमारा 10 फीट, फिर सी डी ये वाला आ गया हमारा 12 फीट, ए डी आ गया हमारा 14 फीट। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, इतना आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है, एस इक्वल टू, मैं बताऊंगा एस कहां काम आएगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ए आ गया हमारा 10, 12, 14 डिवाइड बाई 2 वो हो गया हमारा 18 फीट। क्लियर, 18 फीट हो गया। फिर फार्मूला आपको ये रट लेना है, लिख लेना है कहीं, एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस क्या आया हमारा 18, फिर 18 एस माइनस ए क्या था हमारा 10, फिर एस 18, बी क्या था हमारा 12, एस 18 और सी क्या था 14। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपको, ये आ गया। फिर इसको हम माइनस प्लस करेंगे, इसका अंडर रूट कर लेंगे, वो आ गया हमारा 58.78 फीट स्क्वायर। क्लियर, एक हो गया, मतलब इतना सा एरिया हमारा हो गया। अब अगली ट्राइंगल पकड़नी है, सेम ऐसे ही अगली ट्राइंगल का मैं दिखाऊंगा। अगर ए ई डी, ए डी कहां है, ए ई डी, क्लियर। तो 14 फीट क्या, ए डी कितना है, मतलब ये तीनों साइड ले लेनी है, 14 14 12, तो ये ले लेते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद सेम सबको प्लस करना है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये कर दिया, फिर उसका ये आ गया 20 फीट। फिर फार्मूला में आपको वैल्यू करनी है, 20 माइनस ए क्या था हमारा 14 फीट, बी क्या था हमारा 14 फीट और सी क्या हमारा ये, तो ये क्लियर हो गया। फिर जैसे अगली ट्राइंगल थी उसकी, ये वाली, ये तो कितनी है, 16 14 12, तो कितने 16 12, और ये कर लेते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी, ये आ गया, फिर इसको करेंगे 20, ये सेम वैसे ही करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा। क्लियर, फिर जो भी तीनों का एरिया आया होगा टोटल कर देना है, 58 पहला आया था, 75 दूसरा आया है, फिर हमारा 71 आ गया, वो हो गया हमारा 206.22 स्क्वायर, मतलब एक्यूरेट निकल गया कि इतना स्क्वायर फीट आपका एरिया हो रहा है। मतलब एक फार्मूला था जो आपको लर्न करना है, वो क्या है, ये फार्मूला। तो जो सीमेंट मोर्टार होता है, अगर ब्रिक वर्क का हम करवा रहे हैं, 1:4 की हमें करनी है, और अगर ब्रिक वर्क हम बिल्डिंग की कर रहे हैं उसमें भी हमारा जो 1 वॉल ब्रिक है, अगर सिंगल मतलब 5 इंच की वॉल हम कर रहे हैं तो 1:4 आपको यूज़ करनी है। अगर हम पिलर हाफ कर रहे हैं, ब्रिक वॉल, हनी कॉम्ब, कुछ भी है कंक्रीट ब्लॉक में, तो हमें 1:4 की यूज़ करनी है।
बाकी अगर हम बात करें, अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टर करने चाहते हैं, 20 mm का हम थिक एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं दो लेयर में, तो आपको क्या रेशियो रखनी है, 20 mm कर रहे हैं तो जो हम 12 mm का पहली लेयर मारेंगे, पहला कोट मारेंगे, उसमें आपको 1:5 रखनी है, फिर फिनिशिंग कोट जो आएगा 8 mm का उसमें 1:3 आपको यूज़ करनी है। अगर हम सीलिंग का 6 mm का थिक प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें हमें 1:3 रखनी है, 1 हो गया सीमेंट और 3 हो गया सैंड, मतलब एक बैग अगर हम सीमेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें 3 बैग किसमें सैंड डालनी पड़ेगी। अगली चीज़ है पॉइंटिंग, जो करते हैं हम जो भी फिनिशिंग वगैरह कुछ करते हैं तो उसमें भी हमें 1:3 का यूज़ करना होता है। तो अगली चीज़ जो है, जो हम एक्सटर्नल प्लास्टर करते हैं उसमें आपको रेक्रोन फाइबर डालना ही डालना है। अगर आपके घर में क्रैक्स आते हैं, बहुत लोगों के घर में मतलब प्लास्टर जब हो जाता है उसके बाद क्रैक्स आते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपने उसमें फाइबर नहीं डाला होता है। तो आपने जो कुशन देखे होंगे उसमें जो रुई होती है वैसे ही हमारा रेक्रोन 3S फाइबर आता है जिसकी 6 mm लेंथ रहती है, वो हमें मोटार में यूज़ करना होता है। क्या डोसेज रखना होगा, 0.25% हमने डालना है किस हिसाब से, सीमेंट बैग के वेट के हिसाब से, मतलब 50 × 2.25% डिवाइड बाई 100 हम करेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। अगली चीज़ आपको जो करनी है, जो भी ब्रिक आप करोगे, ब्रिक यूज़ करनी है मैसनरी वर्क के लिए, वो IS कोड 1077 के हिसाब से होने चाहिए, बर्नड क्ले ब्रिक होनी चाहिए और जिसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 Nm/mm² होनी चाहिए और उसकी जो साइज़ होना चाहिए वो 190x90x90 का होना चाहिए और जो उसका फ्रॉग साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 100x40x10 mm का हमें फ्रॉग यूज़ करना है। एक काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीडियो के साथ बने रहो, टाइम आपका जाएगा लेकिन काफ़ी चीज़ें आप सीख के इसमें से जाओगे। और ब्रिक जो भी यूज़ करनी है आपको वो पहले पानी में सोख के रखनी है 24 घंटे, फिर उसको हमें यूज़ करना होता है। अभी हम बात करते हैं सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक जो हम मैसनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, IS कोड 2185 के पार्ट 1 के, और जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए, 5 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ भी मैसनरी और RCC का जंक्शन आएगा, दो मतलब RCC और मैसनरी होगी, वहाँ आपको क्या यूज़ करनी है, चिकन वायर मैश यूज़ करनी है, जो हम चिकन मैश यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ हम बढ़ते हैं ACC ब्लॉक मैसनरी की तरफ, तो AAC ब्लॉक जो आपको यूज़ करने हैं वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, IS कोड 2185 के पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 4-5 MPa इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वही आपको यूज़ करने हैं। और AAC ब्लॉक के काफ़ी आपको कमेंट्स आते हैं, सर क्रैक आ जाते हैं उनमें क्या यूज़ करें, तो ये ज़रूर देखो, इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और जो आपको मोटार जॉइंट रखना है वो 10-12 mm थिक आपको रखना है, बीच में जो मोटार हम डालते हैं 10-12 आपको रखनी है, और जो आपको मोटार ग्रेड यूज़ करना है 1:6 का आपको उसमें यूज़ करना है, 1 आपका OPC सीमेंट होगा और 6 आपकी सैंड आपको उसमें यूज़ करना है। और मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए वाल की, मतलब एक दिन में 6 ब्लॉक से ज़्यादा आपको नहीं करनी है, मतलब अप्रॉक्स 1500 से 1500 mm ही दीवार एक दिन में करनी है, अगर ज़्यादा करोगे तो क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक लेइंग कैसे करनी है आपको, तो उसमें आपको प्रॉपर प्री वेटिंग ऑफ RCC स्ट्रक्चर, मतलब जो भी जिस RCC स्ट्रक्चर पे आप वो ब्लॉक चला कर रहे हो उसको पहले बिल्कुल अच्छे से गीला कर देना है, वो सुखा देना है, फिर उसके बाद उस पर वो करनी है। और क्यूरिंग की अगर बात करें, काफ़ी कमेंट आते हैं सर क्यूरिंग करनी चाहिए AAC ब्लॉक की कि नहीं, तो क्यूरिंग जो होती है वो आपको सिर्फ किसकी करनी है, जॉइंट्स की, मतलब जो AAC ब्लॉक को तो कोई ज़रूरत नहीं है क्यूरिंग की, लेकिन आपने जो मोटार बीच में यूज़ की है उसकी क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी, तो एक स्प्रिंकलर मार के आप कर सकते हो। और इसकी अगर हम बात करें, जो भी आप जंक्शन रहेंगे मैसनरी और RC बीम के उसमें चिकन मैश आपको यूज़ करनी ही करनी है। और जो भी हम इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी के लिए, मतलब प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक के लिए जरी पाड़ते हैं मतलब दीवार में, तो वो जो भी वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी तो उसको आपको अच्छे से करने है, मतलब 1/3 wall thickness से ज़्यादा उसको नहीं करने है। और उसको जब फिल करोगे आप 1:6 का, आपको उसमें मोटार डाल के अच्छे से वायर मैश लगा के प्लास्टर कर देने हैं। और अगर हम फ्री स्टैंडिंग करें 100 mm थिक पार्टीशन वॉल की, वो भी आपको उसमें 8 partition wall मतलब RCC बैंड डालें, हर 1500 mm के बाद आपको वहाँ एक बैंड जो होता है कंक्रीट बैंड में, वीडियो पहले लाया भी था इस पर, वो डालना ही डालना है। फिर अगर हम बात करें, अगर कोई भी मुलियन है जहाँ बॉन्ड बीम है उसमें भी आपको जो वायर मैश रहती है उसके साथ जॉइंट बना के बनाना है। और बॉन्ड बीम या टाई बीम है
वो आपको कंक्रीट कौन सा करना है, M20, और मुलियन है तो M20 कंक्रीट आपको यूज करना है। अगर हम बाद में उस पर प्लास्टर की बात करें तो आपको जो एक्सटर्नल प्लास्टर करना है, फर्स्ट कोट आप 12 से 15 mm का डालना है और उसकी रेशियो रहनी चाहिए 1:5, और सेकंड कोट जो आपको डालना है 8 से 5 mm का रहना चाहिए, उसकी रेशियो होनी चाहिए 1:4, और इंटरनल प्लास्टर के लिए आपको क्या करना है, 12 mm थिक आपको डालनी है और 1:4 उसकी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक्सक्वेशन या अर्थवर्क के बारे में, तो जहाँ भी ब्लैक कॉटन सॉइल होगी प्लिंथ के नीचे या पेविंग के नीचे, तो आपको वो निकाल देनी है, हार्ड तक जाना है। उसके बाद जब आप फिलिंग करोगे, आपको ब्लैक कॉटन सॉइल कभी भी फिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होती है और क्रैक्स सबसे ज़्यादा घर पर तभी आते हैं, तो उसमें आपको मोरम सॉइल ही फिलअप करनी होती है। और जो भी बैकफिल हम करेंगे मोरम, उसको 200 mm की लेयर में आपको डालना है और उसको प्रॉपर कंपैक्शन करना है, और उसकी सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट FDD फील्ड ड्राई डेंसिटी हमें चेक करनी है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, तो वो हमारी 95% आनी ही आनी चाहिए। और मैं कल इस पे वीडियो ले आया था FDD कैसे करते हैं हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। और आपको जो भी टैंपिंग के लिए रोलर या वो करना है मैकेनिकल हैमर वगैरह से टैंपिंग अच्छे से कंप्रेक्शन अच्छे से नहीं होती है, वो बैकफिल में कोई भी बोल्डर या लम्प्स या कोई भी फॉरेन मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं फॉर्म बग की तरफ, तो फॉर्म बग जो आपने यूज़ करनी है वो जब उसकी कंक्रीटिंग होने से पहले उसमें कोई भी टाई वायर डस्ट डर्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको जो डीशटरिंग करनी है वो आपको, अगर आपके वॉल कॉलम या वर्टिकल फेस कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका, आप 24 से 48 घंटे के बाद फॉर्म बग खोल सकते हो, डीशटरिंग कर सकते हो। और अगर स्लैब है तो, अगर स्लैब आपकी 4.5 meters तक है तो 7 दिन के बाद आप उसकी डीशटरिंग कर सकते हो, और अगर आपकी 4.5 से ज़्यादा है तो 14 दिन मिनिमम आपको वो शटरिंग रखनी है। और बीम की जो प्रॉप्स होती हैं वो, अगर स्पैन आपका 6 meters तक है तो आपको 14 दिन बाद उसकी प्रॉप्स हटा सकते हो, लेकिन अगर स्पैन 6 meters से ज़्यादा है तो 21 दिन तक आपको नीचे टेका या प्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं वो रखनी है। और स्लैब के नीचे अगर 7 दिन बाद आपने मतलब डीशटरिंग करके 3 दिन तक आपको मतलब स्लैब के प्रॉप्स रखने हैं। ये हो गया, अभी हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें से आप सीख के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन और एक साथ आपको कभी नहीं मिलेंगी। ये तो कंक्रीट की अगर हम बात करें, और उसमें हमारा रह गया डीशटरिंग में, और बीम की जो सोफिट्स होती हैं मतलब उसका बॉटम होता है वो आप 7 दिन के बाद हटा सकते हो, लेकिन नीचे आपको प्रॉप्स या टेका लगा देना है। और कैंटिलीवर पोर्शन कोई भी है उसको 14 दिन या 21 दिन के बाद आपको हटाना है, और ड्राइंग में वो मेंशन भी रहता है। अगला, कंक्रीट अगर जहाँ भी हमने करना है हमें क्या करना है, 43 grade ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट करना है, जो किस IUC कोड के हिसाब से होना चाहिए 8112, और 53 किसके हिसाब से होना चाहिए, आइस कोड 12269 के हिसाब से होना चाहिए। और आइस कोड आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी फ्री में मिल जाएंगे, वो भी देख सकते हो। और जो भी एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली शेल कंपेली होने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, आइस कोड 2386 या आइस कोड 383 के हिसाब से होने चाहिए। और ये आइस कोड भी पढ़ सकते हो आप, उससे आपको आइडिया और ज़्यादा लग जाएगा कि एग्रीगेट का सीमेंट का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। इससे आपको ये चीज़ें मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो नोट करते जाओ। अगली चीज़ है, जो भी एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे वो क्लीन हार्ड ड्यूरेबल होना चाहिए और इंसोर और इम्परवियल होना चाहिए, कोई पानी सोखने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब एक अच्छा वो होना चाहिए, और एडमिक्सचर के साथ जो वो केमिकल कुछ भी रिएक्शन ना करें ऐसा आपको यूज़ करना है। और कंक्रीट अगर हम बात करें, कंक्रीट मिक्स जो आपको यूज़ करना है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर रहता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, उसमें M25 से M30 हमें यूज़ करना होता है, और ब्लाइंडिंग PCC के लिए हमें M10 यूज़ करना है, और प्रीकास्ट अगर हम करवा रहे हैं कुछ चीज़ तो M35 ग्रेड हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। अभी रेक्रॉन 3S जो 1-2 फाइबर है वो हमें 875 gram पर क्यूमिक हमें यूज़ करना है कॉन्क्रीट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें वाटर जो आपने यूज़ करना है इसमें कंस्ट्रक्शन में, वो आपका किसे डर्ट फ्री होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल फ्री होना चाहिए, और आइस कोड 456 क्लास 4.3 से अकॉर्डिंग होना चाहिए, और टेस्टेड किसके हिसाब से करना है आपको, IS 3025 के हिसाब से टेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। और आपको जो भी ग्राउटिंग करनी है, बोल्ट की ग्राउटिंग करनी है, स्ट्रक्चर की ग्राउटिंग करनी है, तो वो कैसी नॉन श्रिंक फ्री फ्लो सीमेंटस ग्राउट होनी चाहिए, या फॉसरॉक की होनी चाहिए, या सिक्का की, या इसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी हो, और उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 40 Nm/mm², तो उसके मिलीमीटर। तो ये हो गया। फिर हम रीइंफोर्समेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो रीइंफोर्समेंट में क्या है,
जो भी आप रिफरेंस यूज करोगे वो एस कोड 1786 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और एफ ई जो 500 अगर 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का सरिया यूज़ कर रहे हो तो वो एफ ई 500 होना चाहिए। अगर हम 16, 20, 25, 32, 40 mm का यूज़ कर रहे हैं तो एफ ई 500D वो होना चाहिए। और जो बाइंडिंग वायर हम यूज़ करेंगे उसका गॉज होना चाहिए 18 SWG 1.22 mm सॉफ्ट एनील स्टील वायर हमें यूज़ करनी होती है। और अगर हम कवर की बात करें तो हमें रिइंफोर्समेंट में कितना कवर प्रोवाइड करना होता है, बॉटम और फाउंडेशन है नीचे फाउंडेशन उसमें हमें 50 mm यूज़ करना है या 75 mm, बाकी अगर कॉलम बीम है उसमें भी 50 mm, और स्लैब और स्टेयर केस के लिए हमें 30 mm कवर ब्लॉक यूज़ करना होता है। ओनली PVC कवर ही आपको यूज़ करना रहेगा। और जो भी हम लैब करेंगे किसी में बीम में कॉलम में स्लैब में वो 50% आप आर मतलब 50D के हिसाब से हमें लैब प्रोवाइड करना होता है। और ऑल एप्स मिनिमम भी ऑफ 47 टाइम ऑफ वायर मतलब 47 से लेके 50D अगर आपका रहता है वो एक्सेप्टेबल है। चेन लिंक फेंसिंग का इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका मैं जब लाइव वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा, चेन फेंसिंग का रहने देते हैं। अभी हम बढ़ते हैं मेन हमारा वाटर प्रूफिंग की तरफ। तो टेरेस पे जो भी वाटर प्रूफिंग हम करते हैं वो ब्रिक बेड कोबा एक अच्छा रहता है, अच्छी फिनिशिंग के साथ हमें प्रोवाइड करना होता है। और उसमें जो आप इंटरनल वाटर प्रूफिंग करोगे कंपाउंड वो आपको कोना प्लास्ट यूज़ करना है, फोसरॉक का या सिक्का का। चीज़ नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको जो कोई भी इंटरव्यू होता है या कहीं भी आपको एब्रिवेशन आनी चाहिए। तो TOC क्या होता है हमारा, टॉप ऑफ कंक्रीट। HPP क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पेविंग, ये लिख के भी रखो काफ़ी काम आएंगे आपके साइड पे जाके ड्राइंग रीडिंग में। तो FFL क्या होता है, फिनिश फ्लोर लेवल। UNO क्या होता है, अनलेस नोटेड अदरवाइज। फिर TYP क्या होता है, टिपिकल। FDNO होता है हमारा फाउंडेशन। NTS होता है नॉट टू स्केल। NF होता है नियर फेस। FF होता है फेयर फेस। और EF होता है ईच फेस। EP होता है एम्बेडेड प्लेट। AB होता है हमारा अल्टरनेट बार। TOS होता है टॉप ऑफ स्टील। HR होता है हैंड ड्रिल हमारा। और सेंटर लाइन की कैसे होता है, AC उसके ऊपर LSR। और स्पैन का कैसे दिखाया होता है, SA। और सेक्शन का दिखाया होता है SSO। और ड्राइंग नंबर का SA। और ग्रिड फ्लोरिंग का ऐसे। और ड्यूरेबल प्लेट या कोई चेकर प्लेट होगी उसका ऐसे। तो इसमें US क्या होगा, अंडरसाइड। UG होगा अंडरग्राउंड। GA होगा जनरल अरेंजमेंट। RC होगा रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। CC होगा सेंटर टू सेंटर। SOP होगा सेटिंग आउट पॉइंट। TOP होता है टॉप ऑफ पाइप। DIA होता है डायमीटर। BOP होता है बॉटम ऑफ पाइप। DRG होता है ड्राइंग। IP होता है स्टील इंसर्ट प्लेट। EL होता है एलिवेशन। मैक्स मैक्सिमम, मिन मिनिमम, W वर्क पॉइंट। ये एब्रीवेशन भी काफी ज्यादा काम आती है सिविल इंजीनियर के। स्टार्ट करते हैं एक स्लैब की, मैंने एग्जांपल ली है 25 मीटर बाय 12 मीटर की एक स्लैब है, मतलब एक घर है। तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ कॉलम दिया हुआ है, एक यहाँ कॉलम है और एक यहाँ है और यहाँ। तो आप मतलब अगर आपको घर का आपके पास पड़ा हुआ है नक्शा वक्शा, तो उसमें जितने कॉलम है जितने बीम है तो उसको काउंट कर लो, और आगे मैं प्रोसीजर बता दूंगा। वैसे भी आप किसी भी घर का निकाल सकते हो कि कितना सरिया आपको यूज होगा, उसका एस्टिमेट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारे 4 कॉलम है, बीम कितने है? हमारे एक बीम ये है, एक बीम ये है, एक ये, एक ये, इनको मैंने किया B1 B2 B3, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने साइज क्या लिया कॉलम का, हमारा कॉलम का साइज है 400x400x3 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ, और उसके 3 मीटर हाइट है, मतलब हमारा रूफ का ये हमारा 3 मीटर उसकी हाइट है कॉलम का, आपको पता चल गया। बीम हमारा कितना है, 400x300x12 मीटर, ये वाला दो बीम, मतलब ये छोटा वाला 400x300x, मतलब 300 की उसकी विड्थ है। और हाइट कितनी है, 400, और लंबा कितना है वो 12 मीटर। और छोटा जो लंबा वाला बीम है वो कितना है, 300 उसकी ऐसे विड्थ है, और डेप्थ उसकी 400 और 25 मीटर। ये मिल गया आपको, बीम का मिल गया। अब भी हमारी स्लैब कितने में है, 25 मीटर बाय 12 मीटर बाय 125 mm की, मिनिमम आपको 125 रखनी होती है। तो हमारा थंब रूल क्या कहता है, कॉलम में कितना आपका स्टील जाएगा, 160 से 180 केजी पर m³, मतलब एक m³ कंक्रीट के कितना सरिया चाहिए आपको, 160 से 180 केजी। और बीम के लिए कितने चाहिए, 120 केजी पर m³। और स्लैब के लिए कितने चाहिए, 80 kg per m³। ये हो गया, अभी पता चल गया आपको कितना कितना, मतलब कॉलम के लिए कितना चाहिए, बीम के लिए कितना चाहिए, स्लैब के लिए कितना चाहिए। अब उसकी आप सीधा वॉल्यूम निकाल दोगे, ठीक है। कॉलम का क्या साइज था हमारा, 400 बाय 400 बाय 3 मीटर,
कॉलम निकले उसका वॉल्यूम कितना आया 0.48 एक कॉलम का। हमारे टोटल कॉलम कितने हैं चार कॉलम, तो हमारे क्वांटिटी कितनी आएगी 1.92 MQ क्वांटिटी मिल गई। अभी हमें क्या था हमारा कॉलम में कितना मतलब 160 से 180 kg पर MQ था, तो हमारा कितना MQ आया 1.92 1.92 से 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉलम में कितना सरिया लगेगा 307 kg आपको कॉलम में सरिया लगने वाला है। नेक्स्ट हमारा बीम, बीम हमारा कितना था 400x300x12 मीटर था एक, और दूसरा कितना था 400x300x25 मीटर। दोनों को हम निकाल देंगे, पहले इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी आई अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आपकी क्वांटिटी कितनी आई 1.44। दो बीम थे हमारे छोटे वाले तो दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका कितना आ गया 2.88 MQ मतलब आपको वॉल्यूम मिल गया। दूसरे का भी वॉल्यूम ऐसे निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम निकाला तो कितना आया 3, 2 बीम थे हमारे तो कितना हो गया 6 MQ। दोनों को प्लस करेंगे हम तो कितना आ गया 2.88 प्लस 6 तो टोटल कितना हो गया 8.88 MQ। तो रेट मतलब उसका क्या था बीम में कितना चाहता है 120 kg पर MQ, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना जा रहा है हमारा 1065 kg मतलब 1 ton 65 kg बीम में हमारा सरिया जा रहा है। स्लैब में कैसे निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे स्लैब का, हमारी स्लैब कितनी की है 25 meter by 12 meter बाय उसकी डेप्थ कितनी है 0.125 तो हमारा वॉल्यूम कितना है 37.5 MQ हमारा उसमें कंक्रीट जाएगा। तो एक MQ के लिए कितना सरिया लगता है 80 kg तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा कितना लगेगा 3000 kg मतलब 3 ton हमारा उसमें लगेगा। तो हम अब इसको टोटल कर लेंगे तो कॉलम में कितना था हमारा कितना लग रहा है स्टील 307, बीम में कितना लग रहा है 1665, स्लैब में कितना लग रहा है 3 ton तो टोटल करके हमारा कितना है 4 ton 372 kg आपको वहां स्टील लग रहा है।